गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखा था कि हम ये रेंज डोमेन कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। वी स्टडीड अबाउट द रेंज डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन कोर्स में, उस वक्त हमने पढ़ा था फंक्शन भी क्या होता है। आज का टॉपिक है कि हम अगर एक गिवन फंक्शन है तो उसका रेंज और डोमेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो रेंज और डोमेन निकालने से पहले मैं आपको एक नोट बताता हूँ। वो यहाँ पर मैंने लिखा है, नोट नंबर फर्स्ट है, अगर x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है, इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब है x माइनस a इंट x प्लस a लेस देन आर टू 0, तो फिर x किसको बिलोंग करेगा, माइनस a से a तक। ये आपको पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज में, फिलहाल वो बाद टॉपिक है, फिलहाल आप ये याद रखें। ये यहां पर भी मैं हम ये वे भी कर उसे भी करते हैं नंबर लाइन से, ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ये दो अगर इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, इसमें एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, इसको इक्वल टू जीरो करो, एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, यहां से ए आएगा, दूसरे आएगा माइनस ई, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन इसमें एक चीज ख्याल रखना होता है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो फिर मैं माइनस लूंगा कॉमन, फिर ये बनेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस मैं आपको ये ख्याल रखना है जब हम ये वेवी कर्व यूज करेंगे या इस ये तरीका, तो x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना है। अब इसमें ये दो वैल्यूज आएंगे x के इक्वल टू 0, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये नंबर लाइन पर आप इनको नंबर लाइन पर आप डिनोट करो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके तीन हिस्से बन गए, एक दो तीन, यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस फिर माइनस फिर प्लस अल्टरनेट प्लस एंड माइनस, ऐसे चलता है, लेकिन यहां से स्टार्ट करना है प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब है जो यहां पर होगा फंक्शन, यहां पर पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। हमारा क्या है ये, यहां पर कंडीशन यहां पर है लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस हो गए नेगेटिव, वो आएगा माइनस ई से ई तक, वही आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस ई टू ई। यहां क्लोज इंटरवल आ गया क्योंकि यहां इक्वलिटी है, इसलिए क्लोज इंटरवल ऑल द रियल नंबर्स लाइन बिटवीन माइनस ई टू ई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इक्वलिटी नहीं होगी फिर यही आएगा, लेकिन उसमें माइनस ए टू ए आएगा ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल आएगा, यहां से ओपन इंटरवल हो गया, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड, और जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। इसी तरह अगर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लेस, अगर ग्रेटर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बना एक्स माइनस ए इंट एक्स प्लस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सेम नंबर लाइन। आप यहां पर क्या है, यहां पर ये आ गया, फिर वही क्रिटिकल पॉइंट्स तो सेम ही है इस पे भी, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां पर है और पॉजिटिव यहां पर है, और क्या आएगा, आप एक्स कहां पर होगा, या तो एक्स यहां पर होगा या एक्स यहां पर होगा, दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ए के साथ क्लोज्ड आएगा क्योंकि यहां पर इक्वलिटी है, इन्फिनिटी कभी क्लोज्ड नहीं होती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर होल आर एक्सेप्ट द इंटरवल माइनस ए टू ए, यानी इसके बगैर सा ऐसे भी इसको लिख सकते। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तो फिर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, फिर आएगा ओपन, ये भी ओपन ये भी ओपन। अगर इसको दूसरे तरीके में लिखेंगे एक्स आर माइनस माइनस ई से, ऐसे डिनोट करो, ऐसे डिनोट करो। इन जनरल मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई ये हमारे पास है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन आर इक्वल टू 0, इसका एक्स कहां बिलोंग करेगा, आपको नंबर लाइन ड्रा करनी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। आप इसको इक्वल टू जीरो करो, एक्स के वैल्यूज आएंगे, एक आएगा माइनस वन, एक आएगा टू, एक आएगा माइनस, ये इसके इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है, जहां पर एक फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करती है, यानी साइन चेंज करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। आज इनको प्लॉट करना है इस नंबर लाइन पर, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, माइनस थ्री, पहले माइनस थ्री आएगा, फिर क्या आएगा माइनस वन, फिर क्या आएगा टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। अब यहां पर क्या, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव कहां पर है, यहां पर और यहां पर, इसका मतलब है एक्स इसको बिलोंग करेगा,
इट बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, इक्वलिटी है इसलिए क्लोज, यूनियन और माइनस कहाँ है, माइनस वन टू टू, ये बनेगा इसका, ये याद रखना होगा। मगर इसका ख्याल रखना है x का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। अब मैं, या आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो कर इससे ये, इसमें और भी कंडीशन है, अगर स्क्वायर होगा वो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा, 11th क्लास में फिलहाल आपको ये सफिशिएंट है, ये आपको याद रखना है, फिर दोबारा मैं बताऊंगा इसमें अगर कहीं पर स्क्वायर होगा कहीं पर और कुछ होगा तो फिर कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, फिलहाल एट प्रेजेंट ये आपको दिस शुड बी क्लियर टू। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, फाइंड द डोमेन एंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to root of 25 minus x square. इसका डोमेन निकालना है और इसका रेंज निकालना है। डोमेन होता है x के वैल्यूज, यानी x को हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, दैट इज द डोमेन। और जो fx होता है जिसको हम y से भी डिनोट करते हैं, जो ये इसका वैल्यू होगा, ये एक किस्म की मशीन है, इसमें कुछ भी डालो जो वहां से प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे मैं एफ ऑफ वन निकालूंगा, एफ ऑफ वन, वन का वैल्यू क्या है, 25 माइनस वन, दैट इज रूट ऑफ 24, ये इसका प्रोडक्ट है, यही होता है रेंज। अब ये रेंज क्या क्या हो सकता है, एफ एक्स के क्या वैल्यूज हो सकते हैं, इसके इन्फाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, एक ही वैल्यू तो नहीं हो सकता है, तो वो होता है रेंज। एक्स का, एक्स को हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन, और एफ एक्स का क्या क्या वैल्यू बन सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। ये आपको क्लियर होना चाहिए, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। अब सबसे पहले यहां पर, नाउ फॉर फर्स्ट, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन, डोमेन हम कैसे निकालेंगे, एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स है बराबर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट के नीचे है, ये रियल फंक्शंस है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था रियल फंक्शंस क्या होती है, अगर कोई फंक्शंस, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, दिस इज नोन एज ए रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन इफ ए एंड बी आर बोथ सबसेट्स ऑफ आर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये होना चाहिए, अगर ऐसा है देन इट्स अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन। 11th में और 12th में जो आपको फंक्शंस पढ़नी है, दैट्स ओनली रियल वैल्यू फंक्शन। सो दिस fx जो इसके बराबर, ये रियल फंक्शन है, fx बीइंग अ रियल फंक्शन, fx बीइंग अ रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन है। अब ये रियल कब होगा, जो अंडर रूट के नीचे है, कोई भी एक्सप्रेशन वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट के नीचे हम, मैं लेता हूं -7, क्या ये रियल नंबर है, नो दिस इज नॉट ए रियल नंबर, दिस डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जब आप करते थे, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसमें रूट होता है, रूट के नीचे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट रियल, ये एक्चुअली इमेजिनरी नंबर होता है, ये आयोटा रूट सेवन, ये आपको 11th में ही पढ़ना है, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसलिए ये रियल फंक्शन है, सो वॉट शुड हैपन, जो रूट के नीचे जब भी होगा, जब भी आपको रूट के नीचे कोई भी एक्सप्रेशन होगी, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और एफएक्स बीइंग रियल फंक्शन एम्प्लॉइज जो होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी कहा था एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव बनाओ, माइनस में लूंगा कॉमन, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो,
अगर माइनस हटाएंगे, ये हम लीनियर इक्वेशन में करेंगे, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन आर इक्वल टू सी। देखो मैं ऐसे आपको बताऊंगा, अगर माइनस 7 है लेस देन 0 तो 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। यानी अगर हम माइनस हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, या 5 इज ग्रेटर देन 0 तो माइनस 5 क्या है, लेस देन 0। इसी तरह ये है ग्रेटर देन 0 या डिवाइडिंग बाय माइनस 1, यानी अगर ये माइनस है और ये तो पॉजिटिव है तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। इफ दिस इज नेगेटिव दिस शुड बी आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव तभी पॉजिटिव बनेगा। देयर आर सो मेनी मेथड्स, यानी इन जनरल इफ एक्स का, या कोई ऐसे भी कर सकता है 25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स का, ये करेगा फिर करेगा एक्स का उधर लेगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स का माइनस 25 एक्स, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स का माइनस 25, इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन आर, ये आपकी मर्जी है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला भी दे सकते हो, लेकिन अभी हमने किया, अगर आप देखोगे ये आएगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर मैं नंबर लाइन से करूंगा ये बनेगा माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, कौन कौन सा वैल्यू, एक आएगा 5 दूसरा आएगा माइनस 5, यानी एक माइनस 5 दूसरा 5। ऐसा नहीं कर रहा कि यहाँ लिखोगे प्लस 5 यहाँ माइनस 5, पहले यहाँ से डिक्रीजिंग फिर इंक्रीज हो रहा है। अब फिर मैंने क्या कहा है, यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा प्लस, ठीक है, अब प्लस माइनस अभी मैंने बता दिया, लेकिन ये क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेस हो गया यहाँ माइनस 5। Therefore, x belongs to minus 5 to 5 closed interval. जो अभी मैंने कहा था x square less than or equal to a square implies x belongs to minus 8 to a, ये वही है। For x ही होता है, value x को हम क्या क्या value दे सकते हैं, वही होता है domain। यही x के value जो हम, यानी x को हम कोई कुछ भी value दे सकते हैं, minus 5 और 5 के बीच में कितने values हैं, real infinite, वो कुछ भी value दे सकते हैं, लेकिन minus 5 से छोटा नहीं और 5 से बड़ा नहीं दे सकते, अगर वो देंगे तो फिर ये रियल फंक्शन नहीं रहेगी। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इफ वी डिनोट बाय टी ऑफ एफ, इसके बराबर आएगा माइनस 5 माइनस 5 डोमेन, दिस इज द डोमेन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये एफ एक्स है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रियल कब होगा, अगर ये रूट के नीचे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसको माइनस लिया कॉमन, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस हटाया या गया लेस देन आर इक्वल टू 0, इसके ये फैक्टर्स आ गए। अगर इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स के दो वैल्यूज आएंगे जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बताते हैं, यहाँ से एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 5 और यहाँ से आएगा माइनस 5, इनको प्लॉट किया नंबर लाइन पर माइनस 5 5 के तीन ऐसे हो गए, 1 2 3, यहां से स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। अब आपको क्या यहां पर लेस देन 0, लेस देन 0 होता है नेगेटिव, माइनस 5 टू 5 क्योंकि इक्वलिटी है इसलिए क्लोज इंटरवल, अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल होता है ये वाले स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ये हो गया डोमेन, देयरफॉर डोमेन है माइनस 5 और 5 के बीच में। अब है सेकंड, रेंज निकालना, कोडोमेन तो इसका सेटअप रियल नंबर सी होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन में हमेशा कोडोमेन अगर नहीं दिया गया देन इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और फॉर रेंज रेंज कैसे, रेंज होता है वाई का वैल्यू, यानी एफ एक्स का वैल्यू, या वाई का वैल्यू क्या, यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज वाई इज कॉल्ड द रेंज, एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डोमेन। अब यहां पर अगर आप हम इसको 5.1 देंगे या 6 देंगे, चलो 6 देंगे, 25 माइनस 36 वो आएगा नेगेटिव, वो रियल है, इसलिए हम x को क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। नाउ फॉर रेंज, रेंज अभी हमने लिखा इसमें, ये तो क्या लिखा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही लिखा हमने, और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ
25 माइनस एक्स स्क्वायर भी है ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, क्योंकि एम्प्लॉयज ये किसके बराबर है, यही एफ एक्स है, एम्प्लॉय जो एफ एक्स है वैल्यू ऑफ वाई ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, नियम से स्पष्ट ये जो एफ एक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती यानी इवन ऑर्डर नहीं होगा, इवन पावर में नहीं होगा, यानी लीनियर होती या क्यूब में होता तो फिर इसका यही बनता यहाँ पर ही रेंज जीरो टू इनफिनिटी, लेकिन ये स्क्वायर है जब इवन पावर्स होंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसका जो वैल्यूज है दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। अब यहां पर हम क्या करेंगे इसके बाद, लेट वाई इज़ व्हाट एफ एक्स, वाई एफ एक्स और वाई एक ही चीज होता है, एम्प्लॉयज वाई इज़ व्हाट एफ एक्स का वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो क्या है यहां, पहले हमें था ये y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, यह है क्योंकि यहां पर अब हमें निकालना है y को हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, यहां पर है y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, अब हम क्या करेंगे इसमें वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, उसके लिए क्या करेंगे इसको एक स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर को यहां लाओ ये क्या बनेगा x square is equal to 25 minus y square which implies x is equal to root of 25 minus x square. 25 minus y square. ये x का value आ गया। अभी आप अगर आप जब देखोगे जब ये था ये when we have this उस वक्त क्या आ गया x belongs to minus 5 to 5, x belongs to minus 5 to 5 जब 25 minus x square है। अगर इसी pattern पर हम जाएंगे similarly on the same lines if we get what does this employ, this employs y belongs to, यहां था x belongs to minus 5 to 5, यहां पर x की जगह क्या है y, इसका मतलब है y belongs to minus 5, यहां पर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है minus 5 to 5 क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया है एज अबव, एज ये आप लिख सकते हो एज अबव इन फर्स्ट, ठीक है ये आ गया यानी ये हमने कर दिया, तो यहां से आपको y का वैल्यू माइनस फाइव और फाइव के बीच में है, लेकिन y किसके बराबर है नाउ व्हाट इज y, जो y है y क्या है y है fx, this employs fx इसको बिलोंग करता है माइनस फाइव से फाइव के बीच में, ये हो गया इसका। देखो फर्स्ट में हमने कहा कि fx है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, दैट मीन जीरो टू इनफिनिटी, लेकिन यहां पर हमने कहा x fx बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू फाइव, अब वैल्यू क्या है, अब वैल्यू है इनका इंटरसेक्शन जो दोनों का कॉमन होगा, जो इस और इस सॉल्यूशन का कॉमन एरिया होगा दैट विल बी सॉल्यूशन, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं नंबर लाइन से आपको दिखाऊंगा, ये है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये है माइनस फाइव, ये है फाइव, जो पहला ये है जीरो, दिस इज जीरो, इनके बीच में जीरो, दिस इज जीरो, जो पहला सॉल्यूशन है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ये आएगा ग्रेटर देन जीरो, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है माइनस फाइव से फाइव तक, माइनस फाइव से फाइव तक कौन सा सॉल्यूशन आएगा यहां से यहां तक, ये सॉल्यूशन, अब दोनों का कॉमन कौन सा है, दोनों का कॉमन जो दोनों के साथ है वो ये यहां से यहां तक है, वो कहां तक आएगा जीरो से फाइव तक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट fx इसको बिलोंग करता है जो कॉमन है वो यहां से यहां ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया यहां से यहां तक यहां माइनस फाइव और फाइव, और जो दोनों का कॉमन है वो आ गया जीरो से फाइव, दैट बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव, ये ही होता है रेंज fx के वैल्यूज, यानी fx का वैल्यू जीरो और फाइव के बीच में रहेगा, इसका वैल्यू कभी फाइव से बड़ा नहीं होगा, देयरफॉर रेंज देयरफॉर रेंज ऑफ एफ तो हम नोट करेंगे आर ऑफ एफ इसके बराबर है दैट इज जीरो टू फाइव, जीरो और फाइव के बीच में होगा।
दैट इज योर आंसर। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा, आप कोई कहेगा नहीं ये 0.5 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो हम मानते हैं चलो ये हो सकता है ज्यादा भी हो, 5 से बड़ा 6 लेते हैं या 5.1 जो मार, चलो लेट एफएक्स बी 6, एफएक्स का वैल्यू मैं 5 से ज्यादा लेता हूं 6, है ना, एफएक्स लेट, हमने कहा एफएक्स का वैल्यू सिर्फ 5, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां तक, ये आप नहीं करना, ये मैं आपको समझाता हूं 5 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, चलो 5 से ज्यादा 6 होगा, तो इसका मतलब है रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसके बराबर होगा 6 के बराबर, स्क्वायरिंग करो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसके बराबर आएगा 36 आएगा, यह आएगा माइनस एक्स स्क्वायर से बराबर 26 माइनस 35 दैट इज 11, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा माइनस 11, क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हो गया ये गलत है, इसलिए हम कहते हैं जो एफ का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू है इट विल बी फ्रॉम 0 to 5, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 5, 5.1 लो 5.01 लो इट इज सिर्फ 5, अगर 5 देंगे तो आएगा 5 माइनस 5 0, तो उस वक्त 0 बनेगा, ठीक है, दैट कंप्लीट्स दिस लेक्चर, थैंक यू।